black hair, red lips, skin so. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक। मेरे एक छोटे से व्लॉग के अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारा चिट्टा चिट्टा हुआ है, रोशनी हुई है। तो दरअसल हम आए हुए हैं कश्मीर आए हुए हैं। यहाँ पे ऊपर रत्ती गली एक लेक है, उसको एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। तो उमर भाई को भी देखें जी, उमर भाई भी मेरे साथ ही आए हुए हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं जी। मौसम कैसे उमर भाई, मजा आ रहा है? पैसे पूरे। हमारा कैंप है, ये कैंप लिया हमने जी। तो आपको कैंप के अंदर भी विजिट कराते हैं, कल लेक लेके जाएंगे आपको, लेक भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। आपको कैंप दिखाते हैं अंदर से। ये है जी कैंप है जी, यहाँ पे फुल रजाइयाँ वगैरह हर चीज़ पड़ी हुई है। तो बाहर का व्यू आपको दिखाते हैं जी, चेक करें जी। बाहर से निकले तो थोड़ी स्नो हो रही है यहाँ पे, इतनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी स्नो हो रही है माशाल्लाह। तो मैं सोचा थोड़ा सा व्लॉग हो जाए छोटा सा, तो इस वजह से। और उमर भाई कैसा है वैसे? लेकिन ये जो नीचे से आने का यहाँ पे ना, एक तो यहाँ से बाइक नहीं आता, हम आए बाइक पे हैं, लेकिन ऊपर हम यहाँ पे उस पे आए हैं, जीप में आए हैं। तो अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पे रात को इंशाल्लाह खाने पे क्या होता है, तो क्या बाकी जैसे निज़ाम है, बाकी आपको दिखाते हैं। पहले व्लॉग, दरअसल हमारा व्लॉग ना बनाने का मकसद ये है, क्योंकि अगर हम व्लॉग बनाने शुरू हो जाए तो सफ़र हमारा काफ़ी लंबा है, तो हमें जहाँ पे हम एक दिन में सफ़र तय करेंगे हमें वहाँ पे 3 दिन लग जाते हैं। तो इस वजह से हमने पूरा नहीं व्लॉग बनाया, बाकी हम छोटी सी वीडियो क्लिप लगा देंगे इंशाल्लाह टिकटॉक पे, वहाँ पे आप देखें। बाकी हम आपको छोटा सा व्लॉग आज दिखाएंगे, सारा घूमे फिरेंगे। भाई बर्फ़ कैसी है? ओए होए होए, बिल्कुल फोम की तरह बर्फ़ है, कोई सख्त नहीं है, ये है बड़ी मज़े की बर्फ़ है ये। कैसी है उमर भाई? चलो जी आपको दिखाते रहेंगे, फिलहाल अभी थोड़ा सा काम काज है, सामान वगैरह वो भी निकालते हैं जीप से। आओ यार उमर, सामान निकाल लें। बाकी देखें अभी भी स्नो होगी इंशाल्लाह, रात को भी बताई हुई है उन्होंने स्नो, यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत हो रही है, अभी रुकी है थोड़ी बहुत, और भी टूरिस्ट आए हैं। ठीक है, ये देखें जीपें खड़ी भी हैं यहाँ पे। चलो यार पकड़ो, ओए हो बैग भी कितना गंदा हो गया, बाकी भी लेस वगैरह पड़े, लेस भी निकाल लो। खोलो यार दरवाज़ा खोलो, ओए ओए हाय हाय, ओए अंधेरा यार, लाइट लाइट है लेकिन अभी बंद है। सामान यहाँ पे रखते हैं, फिलहाल इंजॉय करते हैं भाई, इससे पहले अंधेरा हो जाए। बाकी यहाँ माशाल्लाह, बातों में सुना था कश्मीर जन्नत है, यहाँ पे आके पता चला जी वाकई कश्मीर जन्नत है। इससे पहले हम 2-3 जगह पे गए हैं, कश्मीर का जो आखिरी लास्ट जो इलाका है ताऊ भट्ट, आगे साथ ही इंडिया शुरू होता है, हम वहाँ तक गए हैं। आपको वो वहाँ पे व्लॉग वगैरह तो नहीं बनाए, लेकिन वहाँ पे हम गए हैं। ठीक है, तो वाकई कहते हैं ना कश्मीर जन्नत है, वो है। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है कश्मीर, आपको भी टाइम मिले आप ज़रूर आएँ, लेकिन यहाँ पर आना इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम गार जेलम से लेके कश्मीर तक हमें तकरीबन 16-18 घंटे का सफ़र पड़ा है हमें। ठीक है, तो माशाल्लाह है खूबसूरत काफ़ी, तो आपने खुद देख लीजिए कैसी खूबसूरती है, बर्फ़ भी खूबसूरत लगती है, सरसब्ज़ा भी खूबसूरत है। अभी हम थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं वॉक करते करते, उमर भी साथ ही है। आ जाओ यार आ जाओ, थोड़ा व्यूवर्स को दिखाएं जी यहाँ का माहौल हमारा। माशाल्लाह ये नहीं कि हम कभी कभी आते हैं, साल में एक दफ़ा नहीं, हमारा हर 1-2 महीने के बाद कुछ ना कुछ हमें ख़ारिश होनी शुरू हो जाती है, या टूर पे चलेंगे टूर पे, तो हम निकल आते हैं। अभी कुछ महीने पहले हम नारान कागान गिलगित वाली साइड पे हो के आए हैं, तो अभी हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का भी काफ़ी मसला, ऑक्सीजन भी सही नहीं, लेकिन काफ़ी ऊंची जगह है ना, 13,500 ऊँचाई पे, 13,500 फीट ऊँचाई पे, तो काफ़ी यहाँ पर ना ठंड भी, ठंड इतनी नहीं है जहाँ बर्फ़ होती है वहाँ पर, ठंड इतनी नहीं होती है। हाँ क्या आगे नहीं जाना? क्यों? घोड़े पे जाएंगे। बर्फ़ उठाओ यार, कल आपको इंशाल्लाह, कल सुबह इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे, लेक भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे भी देखें आपको नज़र आ रहे हैं कैंप लगे हुए हैं, यहाँ पे ना घर वगैरह नहीं है, होटल वगैरह नहीं है, यहाँ पे कैंप वगैरह पे स्टे करना पड़ता है, और कैंप का 1 नाइट का 1500 रुपये, हमसे 1500 रुपये नहीं लिए नाइट का। वैसे उम्र है मुनासिब ही है, देखा जाए इतने ऊपर है, ऊपर से बर्फ़ भी है, इसमें आके कहीं मुनासिब है कहीं नहीं है। हाँ कहीं वैसे ऊपर देखा जाए महंगाई बहुत है यहाँ पे, यहाँ पाकिस्तान में जो पंजाब है ना, है तो ये पाकिस्तान के बाहर है, पाकिस्तान में तो ही नहीं शुमार होता, बाहर ही शुमार होता है। पाकिस्तान में जो चीज़ 100 की है यहाँ की 200 की देते हैं। ठीक है,
और ये बस है, लेकिन इनकी मजबूरी है, जानबूझ के नहीं देते, क्योंकि देखा जाए इनका भी हक है। कितने दूर से लेके आते हैं, नीचे से लेके आते हैं, ये मुजफ्फराबाद से लेके आते हैं, जो आते आते इनको फ्यूल इतना पड़ जाता है, ऊपर से फ्यूल आपको खुद ही हिसाब लगाना है फ्यूल का क्या रेट है, वो तो आसमान को छू रहा है, ठीक है। क्योंकि हम पिछली दफ़ा जब आए थे उस वक्त कितने का था, मेरे ख्याल में 250 या 260 का था पर लीटर, अभी 324-325 यानी कि 350 तक पड़ ही जाता है, ठीक है। लेकिन हमारी बाइक ऐसी है इसमें फ्यूल इतना ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा ही लगता है, लेकिन महंगाई देखी जाए इनके लोगों का हक है, कितनी चीज़ महंगी देते हैं, लेकिन इनके लिए ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक हिदायत दे हुक्मरानों को जो महंगाई इतनी है थोड़ी कम हो। तो बाकी हमारा दिखाने का मतलब ये था, मकसद ये था कि पाकिस्तान में ये नहीं कि आप लोग ये समझते हैं इंग्लैंड जाएँ जी वहाँ पर खूबसूरती है, ऐसा नहीं है। आप पंजाब में रह के भी ऐसी ऐसी जगह हैं जो आप विज़िट करें जी, आपको जन्नत जन्नत मिलेगी, जन्नत। ये न्यूजीलैंड इंग्लैंड ये तो सारी बनाई हुई चीज़ें हैं, मतलब कुदरती नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है कुदरती है देखा जाए, ठीक है, खूबसूरती है, कुदरती है। अभी स्नोफॉल माशाल्लाह और तेज़ हो रही है जी, हम समझे थे स्नोफॉल ख़त्म हो जाएगी, अभी और तेज़ हो रही है आस्ता आस्ता, ठीक है, फुल इंजॉय हो रहा है जी, फुल। सर्दी नहीं लग रही ये बात है, सर्दी नहीं लग रही अभी, उम्र लगता है शुरू हो गई है, आंख सही हो गई, उम्र की आंख भी ख़राब हुई थी, ठीक हो गई है, बेहतर हुई है थोड़ी बहुत, ठीक। तो जा रहे हैं नीचे थोड़ा थोड़ा, उमर भाई कहते हैं नीचे चलते हैं वीडियो बनाते हैं जी, जाके नीचे फोटोज वगैरह बनाते हैं, अभी नीचे जाते हैं। इसी वजह से कुछ दिन हो गए हमारी वीडियो भी नहीं आ रही थी, ठीक है, अभी इंशाल्लाह वापसी होगी तो फिर वीडियो भी इंशाल्लाह आएंगी, फनी फनी वीडियो आएंगी। ये टेंट लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना, तरतीब में लगे हुए हैं सारे, छत पे देखें इनकी बर्फ़ ही बर्फ़ है, ओह आस्ता आस्ता भी ठंड होनी शुरू हो गई है, ठीक है। बैठने की जगह भी बनाई हुई है, पीछे चेक करें जी वाटरफॉल, काफ़ी जगह पे यहाँ पे तो साफ नहीं है, बाकी पीछे काफ़ी जगह आई है यहाँ पे ना वाटरफॉल है, ये चेक करें। और आपको एक और चीज़ चेक करवाते हैं, ये बेसन चेक करें जी, किधर 13,000 फिट पे बेसन बना हुए, क्या करते हैं, पानी भी आता कोई नहीं आता इसमें ना, पानी कोई नहीं है, पानी लगाया हुआ है शोशा के लिए, ठीक है। तो अभी आस्ता आस्ता ठंड भी होने शुरू हो गई है, और यहाँ पे इस वक्त जो चल रहा है ना वेदर चल रहा है वो -4 है तकरीबन, ये कन्फर्म नहीं है, हम जब नीचे से निकले थे उस वक्त ना -2 था, तो अभी 3-4 ही होगा। यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, किसी से भी रब्ता नहीं हो सकता, बिल्कुल नेटवर्क बंद है, कोई भी नेट नहीं चल रहा यहाँ पे। तो अभी वापस पंजाब जाके ही वीडियो अपलोड होगी हमारी, बाकी यहाँ पे जीप ही आ सकती है, लोकल गाड़ियाँ वगैरह नहीं यहाँ पर नहीं आ सकती, कामयाब ही नहीं है, नहीं चढ़ती हैं। हमने भी कोशिश की है थोड़ी सी बाइक ले, लेकिन थोड़ी देर ही ऊपर ही आए हैं, लेकिन बस हो गई है, बाइक वगैरह ऊपर नहीं चढ़ सकते क्योंकि ऊँचाई इतनी ज़्यादा है। किधर जा रहे हैं अभी उमर? अभी सीधा कैंप में, ऑक्सीजन का मसला है ना भैया, पंप ऑक्सीजन लो, पंप ले पता नहीं यहाँ पे पंप भी को नहीं मिलना, यहाँ पे हॉस्पिटल भी कोई नहीं है। काफ़ी खूबसूरत जगह है जी, आप आए इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। देखो उमर कह रहा घर नहीं सुनते, इधर आके व्यूवर्स को कह रहा है यहाँ पे आए, लेकिन व्यूवर्स सुनते हैं इंशाल्लाह, हमारा काम है दिखाना। बाकी अल्लाह पाक साहब को लेके आए जी, तौफीक दे अल्लाह पाक साहब आए, 18 घंटे का करने वाले कर लेते हैं जिनको शौक हो ना, 18 घंटे का 24 घंटे भी कर लेंगे। बाकी इंशाल्लाह हम कल दिन को निकलेंगे 12 बजे यहाँ से, तो घर परसों ही पहुँचेंगे सुबह के, तकरीबन 18-19 घंटे लगते हैं यहाँ से ना घर तक। ओए ओए स्लीपिंग वाली जगह है, यहाँ पे कीचड़ भी है, पांव स्लिप होते हैं। ओए अभी थोड़ा सा हाथ वगैरह सेकते हैं, गीठी लगाई हुई है जिसके ना हमने कैंप में रह रही, ठीक है, थोड़ी सी हाथ गर्म करते हैं थोड़ा बहुत, हाथ थोड़ा हाथ गर्म करिए। हाँ जी शाम हो गई है जी, अभी हम रूम में थोड़ा रेस्ट किया हमने, शाम हो गई, अभी दोबारा स्नोफॉल शुरू हो गई यहाँ पे आस्ता आस्ता ना, तो ये बैग पे ना ये बना होता है कुछ ना, उमर कहता है खोलो,
इसको मैंने खोल लूं। पानी का ठंड है, ठंड नहीं है भाई। ये जी खोल दिए, खिड़की खोल दिए। उमर भाई किधर है? हेलो, किधर गए? ये नीचे गेम बाबा ये लेटे हुए हैं उमर। मैंने कहा यार बाहर चलते हैं, शाम हो रही है, शाम का व्यू दिखाते हैं आपको जी। हाय हाय हाय, बहुत सुकून है यहाँ पे ना। बाकी देखा जाए सहूलत के हिसाब से यहाँ पे सहूलत तो मतलब देखा जाए कोई भी नहीं है। इन लोगों के ना, इन लोगों की हिम्मत है जो यहाँ पे रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं ना। क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी सहूलत नहीं देते इनको, ठीक है, नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन लोगों की हिम्मत है जो लोग यहाँ पे रहते हैं। हम जैसे जो पंजाब के लोग हैं यहाँ पे, मैं तो कहता हूँ हफ्ता एक भी आ जाना बड़ी मुश्किल से। यहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ना, यहाँ पे गुजारना ज़िंदगी बहुत इम्पॉसिबल है, ठीक है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे ना। इन लोगों की हिम्मत है। हम तो वैसे ही घूमने के लिए आते हैं, हमें तो मुश्किल नहीं होती। हम तो कुछ दिन के मेहमान होते हैं, हमारे साथ उनका रवैया बहुत अच्छा होता है, बहुत ख्याल करते हैं हम टूरिस्ट का, है ना, ठीक है। वो सामने आग वगैरह भी जलाई हुई है, तो हम भी रात को जलाएंगे। अभी वैसे मौसम हुआ था, नमाज का टाइम भी था, मैंने कहा नमाज भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ पे। और सर्दी इतनी नहीं है, हालांकि यहाँ पे जो मौसम चल रहा है इस वक्त, तो वेदर वो माइनस में जा रहा है, 4-5 माइनस में। पूछा मैंने भाई से, वो कहते हैं 6 माइनस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सर्दी इतनी है। वो रीज़न ये कहते हैं बर्फ़ जब पड़ती है सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मतलब पूरी सी होती है। तो अभी थोड़ा सा घूमते हैं यहाँ पे, इंजॉय करते हैं। सुबह हमको इंशाल्लाह लेक लेके जाएंगे, लेक बड़ी खूबसूरत है, बड़ी मशहूर है यहाँ पे, इसके लिए तो लोग आते हैं। तो सुबह ही मैंने कहा, क्योंकि अभी जाएंगे तो वापस भी आना लेट हो जाएंगे, अंधेरा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, या घोड़े पे या पैदल भी। सुबह देखते हैं घोड़े पे जाएंगे या पैदल। तो मैंने कहा थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, अभी चलते हैं रूम में, सर्दी भी है। ये रात हो चुकी है, देख सकते हैं आप, ओहो फुल तेज़ बर्फ़ हो गई है, स्टार्ट हो गई स्नो। मसला पता क्या आ गया है? अभी मसला ये आ गया, गाड़ी वाला कह रहे हैं कि अगर हम 2-3 घंटे यहाँ पे रुकते हैं तो बर्फ़ तेज़ हो सकती है, ठीक है। जब बर्फ़ तेज़ होती है फिर उधर से रास्ते बंद हो जाते हैं, निकलना मुश्किल होता है। Black hair, red lips, skin so white. Ate a poison apple from a jealous queen. Was saved by a prince and got married. Ate a poison apple from a jealous. बड़ी तेज हो गई है तेरी है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। पहले तो ऐसा थी, बहुत तेज़ तेज़ आ रही है, काफ़ी बर्फ़ हो चुकी है। अभी थोड़ा सा ऊपर इसको हिलाते हैं, मारते हैं, थोड़ा इसको साफ करते हैं। एक मिनट, काफ़ी ज़्यादा हो गई ऊपर, इसको थोड़ा सा यहीं है, यहीं है, यहीं है।